बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ आर अमेजिंग इंटरव्यू विद चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। और जिस तरह के आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने बेशतर चीज़ों को कवर किया था, बट वो इतनी मैं समझता हूँ इल्म का समुंदर है, तो हमने कोशिश की कि उनको जिस हद तक हम इस बारे में बात कर सकें। सो दिस पार्ट टू वी विल टॉक टू हिम अबाउट मैनी अदर थिंग्स जो कि हम पार्ट वन में बात नहीं कर सकें। इसी जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जब हम प्रोसीडिंग्स देखते हैं, तो वो भी हम देखते हैं उसमें बहुत कई दफ़ा एटलीस्ट तासुर आता है कि इम्तियाजी सलूक होता है, और ऐसे लगता है कि जिस जज को फारिग करने का सोच लिया जाए उसको फारिग किया गया। बट हिस्टोरिकली आप देखें तो अमूमन ट्रायल्स चलते रहते हैं, पेंडिंग रहती हैं प्रोसीडिंग्स। उसका रोल जो है वो कितना फाल है, और आप उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कोई रोल है ही नहीं उसका। 1960 के अशरे से ले लें तो अख़लाक़ हुसैन साहब का या शेख शौकत अली साहब का केस किसी नतीजे तक पहुंचा होगा। उसके बाद आजकल के मुतारक हुई भी एक दो केसेस में नज़र आती है मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वरना सैकड़ों शिकायतें, सैकड़ों। और जिन केसेस में आपको लगता है कि मुतारक हुए हैं, जिस तरह के मैं आप काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस को आप सर कैसे देखते हैं? बिकॉज इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है लॉयर्स में। देर इज़ अ साइजेबल सेगमेंट ऑफ लॉयर विच बिलीव्स कि जी ये गलत है, और बहुत सारे ये भी समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का रवैया भी गलत है। अब चूंकि वो फाजिल जज हैं, सिटिंग जज हैं, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये भी हमें बताएं कि हाउ डू यू लुक एट हिज कॉन्डक्ट। काजी साहब एक बड़ा ज़हीन और दलेर जज है, जिसने ऐसे बुतों को की निशानदेही की है जो शायद दूसरे कोई जज ना कर सके, और उनका ही रद्द अमल ज़्यादातर उनके खिलाफ लगता है। पर नज़र आता है कि काजी साहब इज़ हिमसेल्फ ए लोनली मैन। एक दो उनके साथ इस वक्त जजेस तीन शायद ज़्यादा ही हों, सुप्रीम कोर्ट में हो गए। एक बात तो मैं दो ढाई साल से, तीन साल से कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है ये इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, और इस वक्त भी वो दरार मौजूद है, और उस दरार में एक नुमायाँ जो शख्सियत है वो काजी साहब की अपनी है। मुझे एक जज साहब ने कहा, एक किसी तरह से वो रेलेवेंट बात होगी, बात करते करते कोई हुई तो उन्होंने कहा नहीं वो काजी तो मेरे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो बेंच टूटा या बना या क्या हुआ। तो मैंने यूँ ही एक शादी पे उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा वो तो मेरे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसा हो सकता है कि चीफ जस्टिस बेंच बनाए और आप कहें कि मैं नहीं बैठूँगा? आपने कहा आपने अपनी ओपिनियन देनी है, आपने मेजॉरिटी आपके खिलाफ है या मेजॉरिटी आपके साथ है, आप अपनी ओपिनियन दें और केस करें। ये आप इनकार कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा या इस बेंच पे नहीं बैठूंगा? आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस बेंच पे बैठें और अपनी जानिब से जो इंसाफ है वो करें। अब वो जज साहब आपसे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते ये उनकी बात है और आपकी बात है। आप इनकार तो नहीं कर सकते चीफ जस्टिस को, ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपके साथ नहीं बैठूँगा, मैं इस लिस्ट आ गई तो मेरा नाम इधर उस पर हुआ तो मैं दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा। सो काजी साहब ने एक अपने आप को, मैं इस केस में समझता हूँ कि ऐन मुमकिन था, ये मुमकिन था कि ये केस जो इनका अभी हुआ फैसला 6-4 से शायद ये इनके खिलाफ हो जाता, पर इनको बहुत बड़ी जो इन्होंने एक सक्सेसफुल आर्गुमेंट दी है ना, और अनडिनाइबली एन इम्पॉर्टेंट, वो बेगम सरीना ईसा का वहाँ पेश हो जाना। एक जज साहब ने मुझे खुद कहा कि अगर सामने भाभी आके खड़ी हो जाए तो मैं, ये खुद ही बता रहे थे कि उनकी क्या राय। बट सर फिर ये मसला ये है कि अगर वो जज साहब जो भी हैं किसी खातून को अपने सामने खड़े हुए भाभी समझते हैं, बट डू यू थिंक कि देन ही डिजर्व्स टू बी अ जज इन दैट कॉज?
बिकॉज नो डाउट शी इज़ द भाभी, और बहुत सारे केसेस में जजेस के सामने जब लोग पेश होते हैं तो उस टाइम पर उनसे एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो इन चीज़ों से राइज करेंगे कि मेरा दोस्त है, भाई है या कोई भी है, मोस्टली तो रिक्यूज करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में सही फैसला हो सकता है सर? ये नहीं, आपने मेरी तवज्जो इस तरह दिलवाई है, मैंने पहले हकीकत में इस तरह सोचा ही नहीं था, पर आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक अगर इस पे आ जाए कि एक मैं समझना शुरू कर दूं कि ये फिर मेरा खून है, मेरा भाई है, जिस तरह वकार, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया था कि अपने बेटे का ही को सामने खड़ा करके मुल्ज़िम बेटा है और उसका केस सुनना शुरू हो गया, दो तीन पेशियां सुना उसको, वो तो फिर मीडिया में और प्रेस में इतना शोर पड़ गया, वरना आपने तो कुरान बीच में रख के और सामने रख के और केस सुनना शुरू कर दिया था, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है मेरे ख्याल। एंड सर, ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस है थ्रू सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट प्रोसेस, कि इसका भी कोई प्रोसेस डिफरेंट होना चाहिए? जिस तरह लोग कहते हैं कि वकीलों का जो एहतसाब है वकील खुद करते हैं, जजेस का एहतसाब जजेस खुद करते हैं, लेकिन एक सियासतदान का एहतसाब पूरा पाकिस्तान करता है, नैब करता है, अदालतें करती हैं, हर कोई करता है, तो इनका भी जो एहतसाब का मैकेनिज्म है डिफरेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमीशन हो, बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें किसी क्राइटेरिया में ला के ए मिक्स ऑफ जजेस एंड पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए। सर वो तो आपने रोल अपॉइंटमेंट में देख ही लिया कि वो कितना मिनिमल हो गया है, इन द सेंस के वो भी एक तरह का सेरेमोनियल है जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे। हाँ, मैंने तो इसीलिए पार्लियामेंट्री वो जो कमिटी थी उससे डिसोसिएट कर दिया था। जिस दिन दो जजेज ऐसे बने जिन पे एतराज़ किया था पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि ये दोनों जजेज ने ज़ीरो इनकम टैक्स दिया, इनको एनटीएन नंबर ही नहीं है, इनको जिनको एलिवेट कर रहे हैं इनके पास एनटीएन नंबर ही नहीं है। और सर इंटरेस्टिंगली उनमें से एक जजेस के आगे मैं इनकम टैक्स का केस भी आर्ग्यू करके आया हूँ, ये भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। माशाल्लाह, तो ये तो उससे भी बड़ा सर जो नुकसानदेह चीज़ है कि आप एक तो टैक्स नहीं दे रहे, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग जो आपने बात की है, लेकिन सर इस प्रोसेस से जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, लोग कहते हैं जिस तरह CSS है एक इम्तिहान, उसके ऊपर एक लोगों को एतबार है, चले आप इम्तिहान नहीं कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसमें एक ऐसा बच्चा जिसका कोई बाप चाचा मामा ताया कोई दामाद नहीं है या कोई जज नहीं है वो भी आ सके, बट हमारे सिस्टम में सर जान पहचान अगर किसी की है तो वो एलिवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको सर हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इसको ज़रा ज़्यादा एक्टिव बार एसोसिएशंस, बट एक्टिव नॉट इन द नेगेटिव सेंस के वो जजों के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने घेरा डाला हो या कमेटी को जजेस कमेटी की को घेरा डाला हुआ हो और कह रहे हो कि इसके खिलाफ या उसके खिलाफ, ऐसे नहीं, बट मोर प्रोएक्टिव कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने में शाइस्तगी से वो ज़्यादा तैयार हों, जजेस को भी महसूस करना चाहिए कि अगर वो कलाम में से कोई कभी ये हो जाते हैं केसेस, कोई नाशायस्ता बात कर देता है तो उसके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है जिसका जजेस रिस्पॉन्सिबल है। सर अब आते हैं जी आपके पॉलिटिकल करियर पर, मैं पॉलिटिकल करियर में आपकी बात ही शुरू वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ आपने आपकी जो फेमस डायलॉग था कि चौधरी बिलावल का पोता, और आपकी वो जो एक तकरीर थी इन द नेशनल असेंबली, सर वो तकरीर के पीछे क्या ऐसा गुस्सा था जो उस दिन चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को आ गया, या कोई उनके अंदर का जट जाग गया था, या क्या वजह थी कि आपको कभी हमने इस तरह नहीं देखा, बट वो तकरीर आपने ऐसी खूबसूरत की है कि वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, उनमें से मैं तो एक हूँ, जब मैंने कोर्ट में जाके थोड़ा विग्रेसली बोलना हो आई हेयर दैट स्पीच, सो वट वॉज द बैकड्रॉप ऑफ दैट स्पीच सर? उसका बैकड्रॉप वैसे बड़ा सिंपल था पर बड़ा मेरे लिए पेनफुल था। नवाज शरीफ की का टेन्योर था एज प्राइम मिनिस्टर, तीसरा टेन्योर, और इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने यलगार की हुई थी, पार्लियामेंट को घेरा डाला हुआ था और वो इसरार कर रहे थे कि ये जो ये नवाज शरीफ है ये इस्तीफ़ा दे, और हर बात से पहले इस्तीफ़ा दे, पहले इस्तीफ़ा दे। मैं अपोजिशन का लीडर था सेनेट में, खुर्शीद शाह मेरे दोस्त नेशनल असेंबली में अपोजिशन के लीडर थे, मैं उनसे जाके मिला और हमने बात की और दोस्तों से भी मशवरा किया
अपोजिशन के हमारे जो ख़ास दोस्त थे पार्टी के भी, कि ये बड़ी गलत ट्रेडिशन है कि आप कनपटी पे पिस्तौल रख के कहें जी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता नहीं जब तक हम जाते नहीं। तो इसके लिए हमें नवाज हम गोस के ख़िलाफ़ है नवाज शरीफ को इसमें इस मरहले पे इसकी इमदाद करनी चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। तो हम जब मिले उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुलाया हुआ था लीडर्स को, तो हमने बड़े पुरसरार अंदाज में उनको कहा कि आप एक मुश्तरका इजलास सेनेट का और असेंबली का बुला लें और उसमें हम सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप अकेले नहीं हैं, जाएगी तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी होगी, अब इसमें सारी पार्लियामेंट ही आ जाती है, कोई ये नहीं कि कोई पार्टी दो। तो उस वो हमने आइडिया दिया, वो बड़ा सक्सेसफुल आइडिया रहा, बड़ा ठीक रहा, उसको बुलाया जिस दिन, उस दिन मैंने तकरीर की, मुझे तकरीर कर उन्होंने कहा सारे उन्होंने सबने कि आप ओपन करेंगे इस हिस्टोरिक सेशन को, मैंने वो तकरीर की जिसमें उसमें मैंने वो थानेदार का वाक़या बताया पहली तकरीर में उस दिन, और लेकिन कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारे 100 इख्तलाफात होंगे वो हम बाद में सेटल करेंगे, पर ये जो यलगार है जब तक ये वापस नहीं जाती, और हम इनको बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी कनपटी पे पिस्तौल रख के उससे इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा। अब वो सारी तकरीर नवाज शरीफ के हक में थी। दूसरी शाम हम मीटिंग कर रहे थे अपोजिशन की सारी जमातों के हेड्स के, इतला मिली कि निसार साहब, चौधरी निसार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तिजारत और सियासत, ये सियासत और वकालत दोनों तिजारत के तौर पे करता है, ये उनके अल्फाज थे और इस तरह के और दीगर ज़्यादा सख्त अल्फाज, उस सब पे सख्ता सा चारदारी हो गया कि हम इनका साथ दे रहे हैं और ये हमारे खिलाफ, हमारे में से एक लीडर के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो वापस ड्राइंग रूम में आ गए शाह साहब के घर के दफ्तर से, तो बैठ गए तो सब ने फिर तय किया, आफ्ताब शेरपाव भी थे, बजिंजो मरहूम भी थे, कि मौलाना फजल रहमान बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने फ़ोन मिलाया प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा ये आपके टेलीविज़न पे हर 15 मिनट बाद क्या चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने माजरत की उनसे, कहा कि ये मुझे भी अभी पता लगा और ये ऑफ एयर हो जाता है, और वो कोई आधे घंटे 15 मिनट बाद ऑफ एयर हो गया। हम मुतमइन हो गए, 6 बजे थे, मीटिंग हमारी चलती रही, 9 बजे की हेडलाइंस जो आई उसमें पहली खबर ही है चौधरी निसार अली ने ये कहा है अपोजिशन लीडर के बारे में और ये और ये और ये। तो उस वक्त ये फैसला हो गया कि अब कल हम जो एतज़ाज़ एहसन कहेंगे वो करेंगे, अगर ये कहेंगे हाउस में बैठना है तो बैठेंगे, ये कहेंगे वॉकआउट करना है तो वॉकआउट कर देंगे, बट अब इन पे छोड़ दें। वो दूसरे दिन वाली मेरी तकरीर फिर उस बड़े ज़ाती हमले किए, जो मैं चौधरी निसार से तवक्को नहीं करता था, वो इस तरह का शख्स नहीं था ना है, बट आपका जवाब बड़ा प्रोफाउंड था जो आपने अपनी एक वो सारा। फिर मुझे फिर वो बावल बख्श का पोतरा और मोहम्मद हसन अली का बेटा वो तो बनना पड़ा। स्पेशली टेक यू टू द क्लीनर्स वाले जो बात थी ना, वो बड़ा असर, वो लोगों ने इसको बड़ा एक चलाया कि फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल सॉ दिस साइड ऑफ योर्स, कि जी आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी है, वरना यूजुअली यू आर वेरी काम कंपोज्ड, उस दिन भी आप बड़े काम और कंपोज थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरा, मोहब्बत भी इतनी नहीं थी इतने सारे अली खान से लोगों की। बहरहाल सर, अब आपसे अगली मेरी क्विकली होगी, बिकॉज आप पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं, चेयरमैन सेनेट, सॉरी लीडर ऑफ द हाउस एंड सेनेट, और हर चीज़ आपने माशाल्लाह एंजॉय की है। एग्जिस्टिंग सियासत पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? हमारी एग्जिस्टिंग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इस पर अगर इफ़ यू वर टू एक्सप्लेन इट इन वन और टू लाइन्स, तो व्हाट डू यू से? ये तो फंस गई है और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पे डिले किया है इन्होंने। एक जो फेयर पैमाना जिसमें इम्तियाज़ ना हो का इस्तेमाल जो अकाउंटेबिलिटी में था, अकाउंटेबिलिटी में तो बुनियादी तौर पे खान साहब को पढ़ना ही नहीं चाहिए था,
वो उनका मौक़िफ़ होना चाहिए था कि नैब आज़ाद है, जो करती है नैब करती है। एक दो वज़ीर भी उठा लिए होते तो कोई अरज नहीं था, उससे इनकी हुकूमत कमज़ोर ना होती बल्कि मजबूत होती। एक तो अकाउंटेबिलिटी का इन्होंने जो जस्टिस जावेद इकबाल जो बड़ा मेहनती जज है रहा है वैसे, और बड़ा लंबे लंबे और ज़खीम फैसले लिखने वाला, मेहनत करने वाला, वो मैं समझा हूँ उसके हाथ में नैब एक कोई उसकी समझ में ही नहीं आई, उनकी समझ में आई ही नहीं कि नैब का क्या। आप इन्वेस्टिगेशन इन तो सारी कर लेते हैं, आपके इन्वेस्टिगेटर्स बड़े तेज़ हैं, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं ही नहीं। एक दफ़ा आप हर डॉक्यूमेंट और मटेरियल निकाल के सामने रख देते हैं सारी कौम के सामने, और वो फिर अगले तीन साल वहीं कौम के सामने पड़े ही रहता है, वो टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हो या जो भी हो, वो इनमें एक वहाँ बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरी थी। एक तो उसका जो इन्होंने उसके बावजूद एहतसाब पे बहुत रिलाई करने की कोशिश की, जिस एहतसाब में जो हर किसी की नज़र में एक इम्तियाजी एक्शन और रवैया हो गया था। दूसरा ये महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो जो फैक्टर्स आए हैं इनमें गवर्नमेंट को कुछ नज़र आना चाहिए था करते हुए। फिर इनकी बात भी ये दुरुस्त सब मानते हैं कि, और जो शायद हकीकत ही है कि इतने कर्ज़े पहले से ही हों, वो हमारी हुकूमत भी जब आई है तो कर्ज़े के कर्ज़े उतारते ही रहे हैं। पाकिस्तान तो पिछले कम से कम 20 साल से कर्ज़े ले के कर्ज़े उतार रहा है, किस्तें दे रहा है 20-25 साल से, तो ये एक तसलसल है, वो एक उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसमें वज़रा से भी और सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरी से भी ज़्यादा तर्जमान हो, हर एक तर्जमान बना पड़ता है, कोई वज़ीर आला पंजाब का तर्जमान है और बयान दे रहा है अफ़गानिस्तान पे, या दे रही हैं, वो देती थी, वो कोई हर कोई ने हर किसी ने तर्जमान ने हर रोज़ अगर चार तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के और चार तर्जमान हैं चार वजारतों के, बड़ी वजारतों के, हर किसी ने आके अपनी शक्ल ज़रूर दिखानी है और कुछ रोज़ाना बोलना है कि टीवी पे मेरी हाज़िरी भी लगे नाम, वही ये तो आपके ख़िलाफ़ जाएगी बात, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। सर एक जो और बहुत बुनियादी नुकसान हुआ इस हुकूमत में, जो कि बहुत लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान का लिबरल तबका कह लें या पाकिस्तान का ऐसा तबका जो मिडिल क्लास थी, हम आप समझते नहीं कि रिलीजन की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ, वो जो एक पुराना था मौलवियों वाला दौर, वो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जिनका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं, अब जिस तरह कल खान साहब ने कहा कि बैंकों में शलवार कमीज़ पहन के लोगों को सर्व करें, इस तरह की बातों से नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और खान को, इमरान खान को सबसे ज़्यादा उसको ख़ुद के हो रहा है, क्योंकि इमरान खान, मैं अब आपको बताऊं, मैं अपनी पार्टी की जो सबसे अच्छी कदर देखता हूं, और मैं ये कहता हूं जब मुझे कई लोग पढ़ जाते हैं, तुम पीपल्स पार्टी में क्यों हो, क्या कर रहे हो, तुम शरीफ आदमी ये वो, मैं कहता हूं मैं भी वही हूं, मैं कोई इतना शरीफ नहीं हूं, जिस पार्टी में हूं वैसे ही रहना चाहिए तो ये मुझे आप कॉम्प्लीमेंट ना दें, पर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी सियासी जमात इस मुल्क में नेशनल लेवल पे, मैं ANP की बात नहीं करता, वो एक ज़रा एक सूबे में है या दो सूबों में, पर जो नेशनल लेवल पे पार्टीज़ हैं उनमें से पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो रिलीजियस सिंबल नहीं इस्तेमाल करती, जो मज़हब का सहारा नहीं लेती, और वो भी मज़हब जो है वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ वो फिरकवी मज़हब हो जाता है, जो फिरके का है उस वही मज़हब है। बट सर ये हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है लाहौर का, जो कि शाइस्ता परवेज़ साहिबा ने जीता है मलिक परवेज़ साहब की वफ़ात के बाद, उसमें सुनने में आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने गालिबन TLP के साथ
कोई किसी किस्म का इल्हाक या बात की है, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं कोई एक्शन वगैरह प्रपोज करेंगे या लेंगे? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, वार्ड लेवल के कुछ लोग, उनके बारे में ये इतला मिली थी कि उन्होंने कोई अपने हद तक रबते किए हैं, ज़ाती हद तक। उन्होंने भी कहा कि जी ज़ाती, अब मेरा पनसोटा साहब के साथ एक ज़ाती ताल्लुक है, तो उस हवाले से मैं मिला हूँ मैं उनकी फिक्र या फिरके की से कोई, और उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं मेरा। आई सी। और सर, मैं जाते जाते आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप, यू बीन वेरी पेशेंट, आपने हमें ऑलमोस्ट सारे फैसेट्स को कवर किया है, कि एक वकील के लिए चौधरी एतजाज़ हसन साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल जिस तरह के दो बच्चे आज आपका प्रोग्राम भी देखने आए हैं, ये यंग लॉयर्स आर जस्ट एंटरिंग द प्रोफेशन, कि व्हाट दे शुड डू एंड यू नो एंटर द प्रोफेशन? इतनी बदल गई है वकालत उस वक्त से जब मैं मंजूर कादिर साहब, शेख मंजूर कादिर मरहूम, एक पहले एक तो आजकल अब तो शाह साहब हैं जी, वो शेख थे, वो शेख मंजूर कादिर साहब के साथ जब मैंने वकालत की, तो इस तरह लगता था कि जिस तरह आप वकील के दफ्तर में जब एंटर हुए हैं, तो एक ज़हनी, मैं सियासी नहीं बात कर रहा, मैं कानूनी नहीं बात कर रहा, बट एक ज़हनी पनाहगाह में आ गए कि आपने अपने फिक्र, अपने जितने भी वसवसे हैं वो सारे उसके सामने मेज़ पे रख लेने हैं, और उसने आपको अपनी अमान में ले लेना है। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि बंदूकों वाली अमान के उसके पास गुंडे हैं छः और वो आपके साथ कब्ज़ा करा देगा, नहीं, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। मंजूर कादिर साहब के पास आप बैठ जाते थे तो आप यूँ महसूस करते थे कि देर इज़ समबडी हु इज़ देयर टू प्रोटेक्ट मी एंड स्पीक फॉर मी। वो तो ख़त्म हो गया सिलसिला, और उसकी जगह अब जो मंतक और बयान की का एक नॉन वेपन था, वो अब सीधा सीधा बंदूक और क्लाशनकोफ ने ले लिया। और वकला ख़ुद आपने देखा है, बहुत सारे इसमें शहीद हुए हैं, काम आए हैं, मारे गए हैं, दर्जा बदर्जा उनके, और ये वाक़यात होते रहते हैं। पर जो चीज़ वकील को फिर भी एक मेरा ख़्याल है, वो कायद आज़म का ही मोटो है उनके लिए, काम काम और काम। वकील के लिए वही वकील सक्सेसफुल है जिसने मेहनत की है, और बस मेहनत ही की है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जी, आपने चौधरी एतजाज़ हसन साहब की बातें सुनी, आपने उनकी तमाम इश्यूज पर, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू द प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड मैनी अदर थिंग्स, इन पर उन्होंने बातचीत की। आई थिंक इसका डिसीजन लेना कि ये बातें आपको कैसी लगें, ये डिसीजन कम्प्लीटली आप पर है, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम। एक इट सीम लाइक अ वॉक फ्रॉम 1947 थ्रू 2021, सो आई लव्ड इट। थैंक यू मच, कीप वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।